साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। जैसे जैसे छात्र संघ चुनाव पास आते जा रहे हैं, कैंपस कुरुक्षेत्र में तब्दील होता जा रहा है और आज कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला सूबे के सबसे बड़े राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर, जहां एनएसयूआई के कार्यकर्ता इस बात को लेकर धरने पर बैठे थे कि एबीवीपी के ज्यादा वाहनों को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हो जाते हैं और पुलिस भी बरसा देती है लाठियां। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आखिर सड़कों पर क्यों आ जाती है कैंपस की जंग? क्यों छात्र संघ चुनावों को दे दिया जाता है सियासी रंग और क्यों कैंपस को बना दिया जाता है कुरुक्षेत्र? छात्र संगठनों में इन दिनों तनाव है, लगता है कैंपस में चुनाव है। हर तरफ हुड़दंग है, हर तरफ प्रचार है, मनुहार है, लेकिन साथ ही प्रदर्शन है, आंदोलन है और तकरार है। ऐसे में पैदा होता है संघर्ष, संघर्ष छात्र संगठनों के बीच, संघर्ष पुलिस और छात्रों के बीच। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों हर बार कैंपस बन जाता है कुरुक्षेत्र? बिग फाइट पे बहस आज इसी मुद्दे पर। हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान। हमारे साथ एबीवीपी इकाई अध्यक्ष होशियार मीणा जी, राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ पूर्व अध्यक्ष पवन यादव जी, छात्र नेता महेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं, भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ हैं और साथ ही एमडीएस यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और एनएसयूआई नेता भगवान सिंह चौहान अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। तो वही एमडीएस यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और एबीवीपी नेता मोहित जैन भी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत करते हैं होशियार मीणा जी आपसे, एबीवीपी इकाई के अध्यक्ष हैं आप। ऐसा क्यों होता है इन चुनावों में, छात्र संघ चुनाव जो राजनीति की पहली सीढ़ी होती है, जब ये चुनाव होते हैं तो आपसी टकरार बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब क्या ये इतनी बड़ी वजह थी कि इनके वाहन ज्यादा जाने को दिए जा रहे हैं और एनएसयूआई ने इसी को लेकर धरने पर बैठ गए, आंदोलन करने लगे, प्रदर्शन करने लगे? पहले तो मेरे पास दायित्व है वो प्रदेश मंत्री का दायित्व है, प्रांत मंत्री का विद्यार्थी परिषद में। दूसरी बात मैं बता दूं कि एनएसयूआई के पास में कोई चुनावी मुद्दा नहीं था, तो चुनावी मुद्दा नहीं था तो वो लोग चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से हम लोग मीडिया के सामने आए या फिर कुछ हुड़दंग करें जिससे कि मीडिया हमको कवरेज करे। तो उन लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं हमें या हम तो एबीवीपी के सामने ना तो मुद्दे में बात कर पा रहे हैं ना बातों में जीत पा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे मुद्दों से भटकाया जाए। तो विद्यार्थी परिषद का मानना है कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो और वो चुनाव शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर विद्यार्थी परिषद शुरू से ही प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करता रहा है। लेकिन एनएसयूआई चाहता है कि छात्र संघ हुड़दंग हो, असामाजिक तत्व वहाँ आए और विश्वविद्यालय में कुछ लोग फालतू गंदगी फैलाएं, तो उसको लेकर एनएसयूआई का कार्य वो अलग है। हम लोगों का मानना है, आप समझ रहे हैं कि सिर्फ मीडिया हाईलाइट के लिए और उनके पास कोई मुद्दे नहीं इसलिए ऐसा वो कर रहे हैं। बिल्कुल, पूर्व अध्यक्ष पवन यादव जी का रुख करते हैं। पवन जी, अध्यक्ष के तौर पर आपने भी जिम्मेदारी अपनी निभाई थी राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही, लेकिन चुनाव किस ओर जा रहे हैं और जिस तरह से छात्र संघ चुनाव कुरुक्षेत्र में तब्दील होता है, क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं मुद्दे अहम होने चाहिए ना कि आपसी टकरार? कंपटीशन है, हेल्दी वे में भी किया जा सकता है। देखिए, जिस प्रकार जो आज की घटना है, हम इस घटना को एक सही तरीके से देखें और इसके अंदर जाके देखें तो हमें सब कुछ पता चलेगा। हम बात करते छात्र संगठनों की, जो एबीवीपी छात्र संगठन है राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर रहकर छात्रों के लिए, उनकी आम समस्याओं के लिए वहाँ पे काम करता है। ऐसा नहीं है कि कोई उर्ग प्रदर्शनी करना हो या किसी प्रकार का लड़ाई दंगा करना हो, लेकिन जो पॉजिटिव काम भी होते हैं उसमें भी विद्यार्थी परिषद आगे रहता है। अब एक दूसरी तरफ छात्र संगठन एनएसयूआई की बात करें, एनएसयूआई के पास पूरे साल कोई काम रहता नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार उनका संगठन है, हम कहीं भी उनके करीब जाते हैं, कोई चीज़ें देखते हैं, उनके जो छात्र नेता हैं उनमें कहीं प्रकार की इस प्रकार की कोई भावना नहीं रहती है कि हमें विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए क्या करना है, क्या हमारा नज़रिया है, क्या हम उनके लिए कर सकते हैं। तो आज की जो घटना है, उन्होंने देखा कि जो चुनाव है, हम चुनाव हार रहे हैं, बौखलावट है। आप देखते हैं राजस्थान में सरकार किसकी है,
प्रशासन किसका होना चाहिए, गाड़ी अंदर किसकी जानी चाहिए, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बात ये मान लेते हैं आपके पवन जी, ये मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन एक अहम बात ये भी है कि अगर आप कह रहे हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और छात्रों की अहमियत होती है, छात्र को चुनना होता है, अगर सब चुनते और एबीवीपी से अगर संतुष्ट होते तो शायद अध्यक्ष आपके ही बनते जो पिछले कई सालों से नहीं बन पा रहे हैं, उसकी भी तो वजह कम से कम वो भी टटोलना चाहिए। मैं बताऊं, ठीक है, मैं बता दूं, आपके पास लौटते हैं बिल्कुल। महेंद्र सिंह शेखावत जी का रुख करते हैं। महेंद्र जी, भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री हैं आप, अहम बात यह हो जाती है कि ठीक है आप लोग की भी नीतियां होती हैं, छात्र संघ चुनाव बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन आज का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, क्या इसे सही दिशा देने की जरूरत आपको नहीं लगती? देखिए, ये चुनाव युवाओं का चुनाव है, छात्र छात्राओं का चुनाव है, थोड़ी बहुत पुलिस से टकराव हमेशा होता है, प्रशासन अब कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं और छात्र नेताओं पे हावी होता जा रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था, अब प्रशासन कहीं पुलिस प्रशासन भी चाहता है कहीं ना कहीं टकराव हो, और छात्र नेता भी चाहते हैं टकराव हो, थोड़ी सी हमें पब्लिसिटी मिले, और कुछ भी नहीं है, ये चुनाव शांतिपूर्ण चुनाव पूरे राजस्थान में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है तो राजस्थान सरकार की आ रही है, राजस्थान सरकार अपनी व्यवस्था संभालने में फेल होता जा रहा है। ये आपको लगता है कि व्यवस्थाएं सुधारने में सक्षम नहीं नजर आ रही है सरकार? चलिए इस पर आगे की छात्र संघ चुनाव है, ये चुनाव कुरुक्षेत्र में तब्दील होते हैं, किस तरह से जंग होती है, आज भी तस्वीरें सामने आई जब लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एमडीएस यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और एनएसयूआई के नेता भगवान सिंह चौहान का रुख करते हैं, अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। भगवान सिंह जी, जिस तरह से बात हो रही है और एबीवीपी के जो नेता है वो ये कहते हैं, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुआ या फिर अजमेर में भी जिस तरह से आमने सामने एनएसयूआई और एबीवीपी हो गए थे, NSUI के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए सिर्फ हाईलाइट होने के लिए ये इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुद्दे अहमियत रखते हैं आपके लिए? मैं पवन जी को भी बताना चाहता हूँ कि अगर NSUI मुद्दे है, NSUI मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, अगर NSUI मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ती तो आज आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि NSUI सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज में कॉलेज में जीती है, एबीपी एनयूसी सबसे ज्यादा जीती है, क्योंकि एनयूसी मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, विद्यार्थियों के हितों के लिए चुनाव लड़ती है। और जो बात बता रहे हैं कि आज जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुआ, आपसे झड़पें हुई, ये सब इस वजह से होता है क्योंकि कुछ आउटर्स अंदर आ जाते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं स्टूडेंट अंदर नहीं आते, आउटर्स अंदर आ जाते हैं, ये सपोर्ट के लिए बाहर से गुंडे बदमाश जो बुलाते हैं वो बुला लेते हैं, एंटी पार्टी वगैरह, तो इस वजह से आज जैसे एनयूसी ने वहां किया तो जिसे बाहर के विद्यार्थी पहुंचे उनको रोकने के लिए किया, और ये गलत नहीं है। यानी ये कहना कि एबीवीपी की गाड़ियां ज्यादा गेट के अंदर जा रही है इसी को लेकर प्रदर्शन था, ये सही था, वो एबीवीपी के नहीं थे, वो बाहरी तत्व थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, भारी तत्व थे, एमडीएस में भी हुआ था, जो झड़प हुई थी उसमें भारी तत्व आए थे, सारे भारी तत्व आते हैं, जो मतलब उनका एडमिशन नहीं होता कैंपस में, ये बुला के लिए आते हैं गुंडागर्दी करवाने के लिए, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि एमडीएस यूनिवर्सिटी से एबीवीपी नेता मोहित जैन भी आपके साथ वहां पर मौजूद है। मोहित जैन, क्या आप इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि कहना यही कि एनएसयूआई तो मुद्दे पर लड़ती है और यही वजह की सबसे ज्यादा जीत भी एनएसयूआई को मिली है, फिर इस बार एबीवीपी क्या कर रही है, किस ओर ज्यादा फोकस है? मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा 2013 से लेकर 2017 तक विश्वविद्यालय के अंदर हमारे विश्वविद्यालय में एनयूसीआई के छात्र संघ अध्यक्ष रहे या एनयूसीआई समर्थित छात्र संघ अध्यक्ष रहे, इन लोगों ने एमडीएस यूनिवर्सिटी की यह गत करके रख दी, जो यूनिवर्सिटी के एनरोल्ड स्टूडेंट थे आज उसकी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एनरोल्ड स्टूडेंट की संख्या 785 रह गई, 5 छात्र संघ अध्यक्ष एनयूसीआई के पैनल पर रहे, और उसका नतीजा है कि एक बार आप वहां पर जो वोटर्स है उनको मूर्ख बना सकते हो, दो बार बना सकते हो, तीन बार बना सकते हो, ये वोटर्स चाहते, और ये स्थिति रही मैडम एनयूसीआई की। पिछले दो चुनाव का मैं रिकॉर्ड बताता हूँ आपको, एक चुनाव के अंदर 2016 के अंदर तो मोहित बिल्कुल रिकॉर्ड बहुत बने, लेकिन हम आज की बात कर लेते हैं क्योंकि वक्त बहुत लिमिटेड होता है, हम पुराने आंकड़ों पर ना जाकर लेकिन मौजूदा स्थिति की बात हम जिस तरह से कर रहे हैं, और आपने भी बात रखी है, ठीक है, मुद्दे अहमियत सभी के लिए रहते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह शेखावत जी का रुख करते हैं। महेंद्र जी, क्या वाकई में मुद्दे अहमियत रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपस में टकराव है, एनएसयूआई क्या कर रही है, एबीवीपी की गाड़ियां इतनी ज्यादा अंदर चली गई तो एनएसयूआई धरने प्रदर्शन पर रख गई, ज्यादा जरूरी होता है, और छात्र भी उन्हीं को चुनेंगे ना जो उनके मुद्दों को सुने, जो उनके लिए पूरे साल कुछ कर सके, ये ज्यादा जरूरी है। देखिए, चुनाव जो भी होते हैं वो मुद्दों को लेकर होते हैं, विद्यार्थी परिषद भी मुद्दों को लेकर जाती है, एनएसयूआई भी लेकर जाती है, लेकिन जो आज का जो माहौल था वो एनएसयूआई ने जानबूझकर खराब किया, उनके पास आज की तारीख में देखा जाए तो पूरे राजस्थान में एक अराजकता का माहौल है। आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किए राजस्थान भर में, 46% से ज्यादा आपराधिक
रेशो जो बढ़ चुका है और एनएसयूआई के पास विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच में ले जाने के लिए कोई मुद्दे नहीं है, उनको पब्लिसिटी नहीं मिली, तो उनका कैंडिडेट बहुत ज्यादा कमजोर है, वो कैसे न कैसे लेकिन कोई पब्लिसिटी के लिए लाठियां थोड़े ना खाएगा, ये भी तो देखिए पब्लिसिटी के लिए लाठी खाएंगे, लाठी चार्ज भी हुआ है। आप जाके सड़क पे बैठेंगे तो लाठियां खाएंगे और करेंगे क्या, उनसे पूछे मुद्दा क्या था, कौन स्टूडेंट अंदर जा रहा है कौन नहीं जा रहा। हम भी विद्यार्थी परिषद में स्टूडेंट लीडर्स रहे, छात्र राजनीति करी, स्टूडेंट थे तब कॉलेज में गए, हम कल कैंपस में गए, अपना कैंडिडेट का नॉमिनेशन भराया, परमिशन लेकर वापस आ गए। उसके बाद कोई भी पूरा बाहर का छात्र कैंपस में जा ही नहीं रहा, वो जानबूझकर एक माहौल खराब करने के लिए माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे। महेंद्र चौधरी जी, इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि कैंपस के अंदर की राजनीति जो होती है वो कुछ आधी नजर आती है, आधी नजर नहीं आती है जी, हम डर्टी पॉलिटिक्स भी कभी कभी नजर आ जाती है जी। हम राजस्थान विश्वविद्यालय के सबसे बौद्धिक वर्ग रिसर्च को प्रतिनिधित्व करते हैं और 2016 में शोध छात्र संघ का चुनाव भी हमने लड़ा है और अभी भी शोध छात्र संघ का चुनाव हम लड़ रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, और ना हम AVVP और ना NSVI की, लेकिन जो आज राजस्थान विश्वविद्यालय में देखने को मिला वो बहुत गलत हुआ है। और इस चीज़ों में कई मतलब जो सरकारें एट प्रेजेंट सरकार होती है वो अपनी पार्टी को राजस्थान विश्वविद्यालय में सपोर्ट करती हैं, बीजेपी की सरकार होती है तो AVVP को सपोर्ट करती है और NSVI की कांग्रेस की सरकार NSVI को सपोर्ट करती है। और आज कई पुलिस अधिकारियों को भी इसमें मतलब पाबंद किया गया है इस चीज में, जो सरासर बहुत गलत है। सरकार का फायदा पार्टियों को विश्वविद्यालय में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे, इसके लिए जरूरी है, इसके लिए जरूरी की शांति, अगर आप ही लोग शांति से चुनाव कराने लगे तो फिर किसी की जरूरत ही नहीं है। होशियार मीणा जी, अगर सब ये चीज देख लें, ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत झड़प होती है, लेकिन ये तस्वीरें भी तो कहीं ना कहीं बाहर निकल के कोई मैसेज देती हैं। देखिए, झड़प मुद्दा नहीं है, मुद्दा NSVI का है छाना, क्योंकि उन्होंने ना तो अपना घोषणा पत्र जो है मैनिफेस्टो बनाया है, ना उन्होंने पिछले साल क्या किया है वो बनाया है। हम लोगों ने 30 सूत्रीय तो पिछले साल जो कार्य किए हैं वो बनाए हैं, और 30 सूत्रीय वो हैं जो आगे अगले साल हम करने वाले हैं। हम लोगों ने MPET की लड़ाई लड़ी है, रिसर्च के लिए हम लोगों ने 3 साल से संघर्षरत थे, MPET को चालू करवाया, 10 दिन लगातार धरना दिया 11 सूत्रीय मांगों को लेकर, और 3 दिन तक कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर रहे। हम लोगों का कार्य है सिर्फ छात्र सेवा करना, जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने पत्रकारिता विभाग को बंद किया, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 5 तक संघर्ष किया और उसे फिर से चालू करवाया। लो फ्लोर बसें जो जेएलएन मार्ग पर बंद कर दी गई थी उन्हें चालू करवाने को लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, हॉस्टल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चलिए आपने ये सब कुछ कराया, लेकिन अगर हम आज की बात करें, पवन यादव, अगर हम आज की बात करें, कहना ये था कि AVVP की गाड़ियां ज्यादा जा रही हैं अंदर, क्या हुआ था ये आप ही बताइए, क्योंकि आपको भी जानकारी इसे लेकर होगी, क्या वाकई में ये इतना बड़ा मुद्दा था? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार का कोई मुद्दा नहीं था कि AVVP की गाड़ी ज़्यादा गई, किसकी गाड़ियाँ ज़्यादा गई। आज जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर बाहर गेट पे जो लगा हुआ है, ना तो किसी की गाड़ी की एंट्री है, किसी प्रकार की कोई गाड़ी अंदर जाती नहीं है, ना कोई AVVP की हो, ना कोई अन्य संगठनों की हो। ये सरासर एक तरीके से क्या होता है कि छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, लोग सोचते हैं, छात्र संगठन सोचते हैं, और जिस प्रकार से आज NSVI ने जो काम किया है, उन्होंने केवल बस मीडिया के अंदर आने का काम किया है कि देखो कि हमारी सरकार है, फिर भी हम पुलिस वालों से डंडे खा रहे हैं, केवल उन्होंने दिखाने का काम किया है, लेकिन इसका जो अंदर का जो माहौल है वो बिल्कुल अलग है। चलिए, अगर ये दिखाने के लिए भी किया है तो क्या इससे फायदा इन्हें इस छात्र संघ चुनाव में मिल जाएगा? देखिए, इससे कोई फायदा मिलेगा क्या? राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर प्रत्येक छात्र बहुत समझदार है, उसको पता है कि मुझे किस प्रकार के छात्र संगठन को चुनना है, मुझे किस प्रकार के छात्र नेता को चुनना है, जो आने वाले समय में पूरी साल हमारा नेतृत्व करेगा, हमारे लिए कौन कौन किस प्रकार से मुद्दे उठाएगा और कौन हमारे छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ेगा, तो सब छात्रों को पता है। और विद्यार्थी परिषद केवल चुनाव के टाइम आके विश्वविद्यालय के अंदर काम नहीं करती है, वो पूरे साल रहकर इतने सालों से विद्यार्थी परिषद का, तो क्या NSVI नहीं करता? NSVI नहीं करता है क्या? NSVI तो मैं आपको बताना चाहूंगा, NSVI जब चुनाव आते हैं उससे 1 महीने पहले सक्रिय होता है। चलिए, ठीक है, इसी बात पर भगवान सिंह से भी रिएक्शन ले लेते हैं। भगवान सिंह जी, सिर्फ चुनाव के पहले आते हैं आप लोग, फिर वो कहीं भी हो, हम जयपुर की बात करें, अजमेर की बात करें, साल भर काम नहीं होता है NSVI की तरफ से। ये तो AVP वाले शायद न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, NSVI हर मंथ 2 या 3 प्रदर्शन करते हैं, चाहे सरकार हो चाहे सरकार नहीं हो। हमने MDS यूनिवर्सिटी में अजमेर की बात कर लेता हूँ, मैं जब मैं अध्यक्ष था और उसके बाद भी सरकार BJP की थी, फिर भी हमने इतने प्रदर्शन किए, धरने किए, हमारी सरकार होने के बाद। अच्छा, ठीक है, एक बात समझा दीजिए, क्या प्रदर्शन धरना ही काम करना कहलाता है? क्या प्रदर्शन, ये तो आंकड़े की बात होगी कि हमने इतने प्रदर्शन किए, आपने इतने किए, हम ज्यादा काम कर रहे हैं। प्रदर्शन धरना काम
भगवान सिंह जी, आम छात्र की मदद तो ये लोग करते नहीं है और प्रदर्शन प्रदर्शन ये प्रदर्शन से पता नहीं पड़ता है। हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, अंदर विद्यार्थियों के लिए काम करते हैं। चलिए ठीक है, महेंद्र सिंह शेखावत जी, अगर अगर परीक्षा की तरह ही देख लिया जाए, साल भर जो पढ़ता है उसे लास्ट मोमेंट में ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती है। छात्र संघ चुनाव भी इसी तरह से हैं, अगर आप साल भर काम करेंगे, छात्रों के बीच में रहेंगे, तो उनको पता है कि ये हमारा अपना है और ये जो कह रहा है वो करेगा, एक भरोसा जीतने वाली बात होती है। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 365 दिन कैंपस में रहकर छात्र छात्राओं के हितों के लिए संघर्ष करती रहती है, तो उसको कभी भी नहीं लगता चुनाव कभी भी उनको कोई भी सेहत पे, कोई छात्र नेताओं के सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, ना ऑर्गेनाइजेशन के जो चुनाव लड़ाने वाले उनको होता है। वो रेगुलर कैंपस में एक्टिव है तो उनको पता है कौन प्रत्याशी जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, तो एक सोच समझ कर उन्होंने नहीं, लेकिन लास्ट मोमेंट में दोनों ही पार्टियों की तरफ से ऐसा नजर आता है, लास्ट मोमेंट में ही नजर आता है, ऐसा क्यों? ऐसा कहीं पर भी नजर नहीं आता मुझे, तो इतने साल होते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हुए, कहीं पर भी नहीं नजर आता कि अगर नजर आएगा तो भी आप नहीं मानेंगे महेंद्र सिंह? नहीं नहीं, ऐसा कहीं पर भी नहीं, पूरे 365 दिन कैंपस में छात्र जो चुनाव की तैयारी करता है वो छात्र छात्राओं के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है और एक नए आयाम भी स्थापित करता है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा आज के छात्र छात्राओं से, विद्यार्थी परिषद को चुने, क्योंकि देश के अंदर राष्ट्रवाद की एक नई पार्टी नहीं है, बहुत पुरानी पार्टी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। देश विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी भी इस विद्यार्थी परिषद में रहे, गृह मंत्री अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो भी एक इकाई के प्रमुख रहे विद्यार्थी परिषद के, तो पूरे राजस्थान के अंदर विद्यार्थी परिषद का परचम लहराने जा रहा है और कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली और जयपुर के चक्कर काटते जा रहे हैं, तो इसलिए छात्र नेता विश्वविद्यालय जीतने कार्यकर्ताओं के अंदर कॉन्फिडेंट है, आपके एबीवीपी जीत के आ रहे हैं इस बार पूरे राजस्थान में, हर विश्वविद्यालय में कॉलेज छात्र संघ में विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता चुनाव जीत कर आ रहे हैं। लेकिन क्या इस बार कुछ अलग स्ट्रेटजी है क्या कि पिछले कई सालों से एबीवीपी का अध्यक्ष नहीं बना है? नहीं, इस बार पूरी स्ट्रेटजी चेंज करके हम चुनाव लड़ रहे हैं, एक राष्ट्रवाद के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, धारा 370 पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रवाद विकासवाद छात्र संघ का चुनाव भी, क्योंकि पूरे देश का युवा नरेंद्र भाई मोदी के साथ है, देश का प्रत्येक फर्स्ट टाइम वोटर नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब नरेंद्र मोदी के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है, 370 के साथ है, जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन छात्र संघ चुनाव में कॉलेज के छात्र को ज्यादा जरूरी क्या है? वो तो कॉलेज की राजनीति है, कॉलेज के लिए जो कुछ करे, इन मुद्दों को लेकर आज का छात्र कल का विद्यार्थी नहीं है, आज का विद्यार्थी कल का नए भारत का वो निर्माण करने वाला है, तो उसको पता है मेरा देश कहाँ जाएगा, मेरे विश्वविद्यालय का अध्यक्ष किस विचारधारा का हो और वो मुझे कैसा कैंपस, अच्छा कैंपस देगा, बुरा कैंपस देगा, आपकी बात पूरी एक लाइन में साफ हो गई कि किस विचारधारा का हो अध्यक्ष, ये ज्यादा जरूरी यहाँ पर रहता है। क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, हम एक फाइनल कमेंट चाहेंगे, होशियार मीणा जी आपसे शुरुआत करते हैं, एक लास्ट कमेंट इस छात्र संघ चुनाव को लेकर। कुरुक्षेत्र तो बन रहा है, लेकिन क्या छात्र नेताओं का ये व्यवहार सही है? छात्र नेताओं का ये व्यवहार सिर्फ पब्लिक सिटी स्टैंड करने के लिए है। हम लोगों ने 365 दिन वहाँ काम किया है, आम छात्र की समस्याएं सुनी है, हम लोगों ने वहाँ संघर्ष किया है और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वहाँ इतना अच्छा कार्य किया है कि इस बार राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में हम लोग पूरे विश्वविद्यालय में भगवामय वातावरण करेंगे और पूरी तरह से विश्वस्त कर सकता हूं कि हम लोग जीत कराएंगे। ये बहुत कुछ बोल रहे हैं आप, ये बात आपकी बहुत कुछ कह रही है, इंडिकेशन दे रही है। पवन यादव जी, एक लास्ट कमेंट देखिए। देखिए, इस बार का जो चुनाव है, राजस्थान विश्वविद्यालय में हमेशा मुद्दे के चुनाव होते हैं, वहाँ के विद्यार्थी भी सब पढ़े लिखे हैं, उनको भी पता है कि हमें किस प्रकार का हमारा प्रतिनिधित्व चुनना है हमें, और किसने पूरे साल रहकर, किस संगठन ने पूरे साल रहकर वहाँ पे किस प्रकार के कार्य किए हैं, यही नहीं कि भाई प्रदर्शन करना ही कोई चुनाव मुद्दा है। काम कर रहा है पूरे साल, छात्रों ने देखा है, ये आप कह रहे हैं। महेंद्र चौधरी जी, क्या लग रहा है इस बार के छात्र संघ चुनाव को लेकर, और क्या ये जो व्यवहार किया जाता है वो सही है, इस तरह का प्रदर्शन? अब तो बस दो चार दिन बचे हैं। देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ चुनाव होते हैं और जिस तरह की जो घटनाएं हुई हैं उसके लिए राजस्थान विश्वविद्यालय का जो आंतरिक प्रशासन है वो भी इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को इन चीज़ों के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय में रैली और इन चीज़ों की बजाय एक डिबेट्स के अच्छे प्रोग्राम रखवाने चाहिए ताकि मुद्दे सामने आए और जो आम छात्र वोट देता है वो अपनी समझ से वोट दे। मुद्दों को लेकर चुनाव होना चाहिए, और छात्र किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं ये भी बेहद अहम इन चुनाव में हो जाता है। मोहित जैन, आपसे
एक रिएक्शन चाहेंगे इन चुनाव को लेकर, कैंपस की इस जंग को लेकर। कॉन्फिडेंट है कि इस बार एबीवीपी जीतेगी? जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा राजस्थान। जी मैडम बिल्कुल, एमडीए समष्टि के अंदर एक बार फिर हम लास्ट ईयर भी चारों सीटों पर जीते थे, इस बार भी एक बहुत अच्छे मैंडेट के साथ विद्यार्थी परिषद जीतने जा रही है। और आज एक उपाध्यक्ष की सीट हमने बिल्कुल निर्विरोध जीती है, क्योंकि एनयूसीआई के कार्यकर्ताओं को फॉर्म भरने नहीं आता, इस वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया उपाध्यक्ष की सीट पर। और युवाओं के साथ जो छल किया कांग्रेस ने, बेरोजगारों के साथ जो छल किया, वो मुद्दा प्रमुखता से हम कैंपस के। इसलिए एक बार फिर आप कॉन्फिडेंट है कि इस बार भी आप जीतेंगे जिस तरह से पिछली बार जीत कर आए हैं? और भगवान सिंह का रुख कर रहे थे, भगवान सिंह जी कड़ी टक्कर ये देने की बात कर रहे हैं और एक बार फिर जीत की बात कह रहे हैं, क्या इस कॉन्फिडेंस को इनके तोड़ेंगे आप इस बार परिणामों के साथ? हम बिल्कुल वापस एनएससी जीतेगी और एनएससी पुराना रिकॉर्ड वापस बनाएगी, मतलब जिस टाइम हम जीते थे एनएससी उसे भारी मतों से जीतेगी। साथ ही में हम विद्यार्थी के मुद्दों के लिए लड़ेंगे, विद्यार्थियों के हितों के लिए काम करेंगे। धारा 370 हटी उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ धारा ये एबीपी वाले धारा 370 को मुद्दे को लेकर लड़ना चाहते हैं, तो यहाँ स्टूडेंट के अलग अलग चुनाव के अलग अलग मुद्दे होते हैं और छात्र संघ चुनाव है ये, तो उसके मुद्दे भी अलग ही होंगे। चलिए वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कैंपस है या ये कुरुक्षेत्र है, वो इसलिए क्योंकि कैंपस की जंग तो है, आखिर इस कैंपस का किंग कौन बनेगा, इसके लिए बस कुछ दिनों का और है जब 27 तारीख को यहां पर वोटिंग होगी। लेकिन बेहद अहम यह हो जाता है कि दोनों ही पार्टियां हैं, अलग अलग मुद्दे अलग अलग दावे हैं, लेकिन मुद्दों की राजनीति यहां ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जरूरी छात्रों के लिए वो है कि कौन उनकी समस्याओं को समझ रहा है कैंपस के अंदर और कौन इन समस्याओं को दूर करेगा, शायद उसके साथ वो जाना पसंद करेंगे। और ये बड़ी बात है कि कौन सी पार्टी है, चाहे एनएसयूआई हो या फिर एबीवीपी की बात करें या फिर कोई निर्दलीय प्रत्याशी हो, जो छात्रों के भरोसे को जीतता है शायद वही चुनाव जीतेगा। चलिए इंतजार कुछ दिनों का और करते हैं। इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।